हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मैं दो बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर। दूसरी पहली जो होगी महंगाई भत्ते महंगाई राहत पर, जो जनवरी 2022 से अनाउंसमेंट होने वाला है उस पर है, और दूसरी जो अपडेट है 18 महीने के डीए एरियर्स पर है। तो दोनों की दोनों खबरें जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी, उसमें डीए का लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो कर्मचारी और पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि अब उनका जो डीए की अनाउंसमेंट कब होगी, या आगे उसमें क्या उसमें अपडेट है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, हम ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहे डीए हो, चाहे 7CPC हो, पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशनर्स हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, सभी के लिए ऐसे ही लाते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बेसिकली अब मैं बता दूँ तुम्हें आपको बता दूँ कि कल जो है मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग की मीटिंग हुई, लेकिन उसमें जो है महंगाई भत्ते जो महंगाई राहत है उस पर कोई भी डिस्कशन शायद नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्कशन होता तो कुछ ना कुछ अपडेट निकल कर आता है, लेकिन उसमें कोई भी डिस्कशन आगे के लिए डीए पर नहीं हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो जनवरी 2022 है उसमें 3% की जो है बढ़ोतरी हो चुकी है। बढ़ोतरी जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा होता है उसके बेसिस पर की जाती है, और वो बढ़ोतरी अब हो चुकी है। लेकिन जो है अभी आपको जनवरी 2022 का जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वो अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है, लेकिन डरने या घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपको जो है आगे आने वाले जो वीक है, यानी मैं फिर से बता दूँ कि मार्च महीने में कभी भी इसका अनाउंसमेंट की जाएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब जो है होली के बाद ही इसके अनाउंसमेंट की जाएगी, यानी मार्च महीने के लास्ट का जो वीक है उसी में जो है इसमें आपके अनाउंसमेंट हो सकती है। क्योंकि अब मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब जो होली के बाद ही इसकी अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि अब जो अगली कैबिनेट मीटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसी में इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन अभी भी कुछ ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल कन्फर्मेशन अब जैसे ही आएगा हम आपको वो भी जरूर बता देंगे। तो अभी के लिए आपने देखा कि इसमें जो है सबसे बड़ी खबर यही है कि अभी जो है इसमें कोई भी अभी कल जो अपडेट नहीं आया था, लेकिन आगे जो अपडेट आया वो हम आपको जरूर बताएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा, ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, तभी आप वीडियो देख पाएंगे।